नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। तीन स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं इस वीडियो में, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट लगते हैं मुझे। इन तीन स्टॉक्स को मैंने अपनी इंस्टाग्राम की रील में शॉर्ट में डिस्कस किया है। अब समय एक मिनट का ही होता है, लेकिन वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करता हूं बिना किसी देरी के, एक एक करके तीनों स्टॉक्स को कवर करना और डिस्कस करना। वन मोर थिंग, मुझे पसंद आ रहे हैं, मुझे चीजें सही लग रही हैं और वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद आपके अपने पर्सनल पैरामीटर्स जो भी होते हैं उन पर आप भी जरूर एक बार चेक कीजिएगा, अगर पसंद आए। उसके बाद टाइम हॉरिजॉन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मेरी नजरों में स्टॉक मार्केट में। आप किस स्टॉक में कितना टाइम दे सकते हो, देखो अगर आपके पास समय नहीं है बाजार में देने के लिए तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। फिर आपको पैसा बनाने के लिए लगेगा मोटा पैसा। देखो सिंपल सा लॉजिक होता है, आप 1 लाख को 10 लाख बनाने की कोशिश करोगे तो ये 2 दिन में तो होगा नहीं, आपको भाई ट्रेडिंग में हो जाएगा। तो भाई साहब ट्रेडिंग का जितना डेटा मेरे पास है वो तो सब नेगेटिव ही है, मेरे को नहीं दिखता ट्रेडिंग में कोई पैसा बनाता है। तो बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो अगर आप हर 4 साल में भी अपना पैसा डबल करते हो तो 1 लाख का आपका 4 साल में 2 लाख होगा, फिर अगले 4 में 2 का 4 होगा, फिर उसके अगले साल में 4 का 8 होगा, तो ये ऑलमोस्ट आपका 12 साल का टाइम फ्रेम चला जाएगा, तो लंबा समय जा रहा है। वहीं अगर आप मोटा पैसा लेके बैठे हो, 1 करोड़ लेके बैठे हो, तो 4 साल में 1 करोड़ और बन गया तो आपका पर ईयर 25 लाख का बन गया। तो या तो पैसा दे दो या टाइम दे दो, क्योंकि एक बार किसी को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा अपनी अगली जनरेशन के लिए। आप मिडिल क्लास से हो, आप एक स्मॉल फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा ताकि आने वाली जनरेशन ईजिली सर्वाइव करे और अच्छी पोस्ट से उन्हें काम करने का मौका मिले। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टाइम की, कि भैया हमारे पास पैसा तो नहीं है लेकिन टाइम है, हम टाइम देंगे। तो अगर आप इनमें मोर देन 2 ईयर्स का समय दे सकते हो तभी ये आपके लिए कारीगर सिद्ध होंगे और बढ़िया पैसा बना के देंगे। देखो समय से पहले पैसा बन जाएगा बहुत अच्छी बात है, कि मैंने 2 साल सोचा था 3 महीने में बन गया मैं खुश हूं, लेकिन मैं 3 महीने के लिए ही पैसा लगाऊंगा और 3 महीने में पैसा नहीं बना तो 4th महीने मुझे पैसे की जरूरत पड़ जाएगी, तो मेरा पैसा मतलब जो रिटर्न ऑन मनी है वो बिल्कुल कुछ नहीं बना, वो पैसा बर्बाद एक तरीके से। अच्छा तो मैं 3 महीने बैंक में रख लेता तो कुछ मिल जाता, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एक एक करके तीनों स्टॉक्स को डिस्कस करने पे। सबसे पहले है कोल इंडिया, भारत की एक महारत्न कंपनी है। कोल इंडिया केवल 9 के PE पे उपलब्ध है दोस्तों। करंटली कोल इंडिया का प्राइस जो है, शेयर का प्राइस वो अराउंड 539 रुपीज का है। मैंने यही चीज आप सभी के साथ अपने YouTube चैनल पे लगभग 480 रुपीज पे कवर करी थी, यही चीज मैंने 500 पे कवर करी थी और यही चीज आज मैं तीसरी बार कवर कर रहा हूँ 539 के प्राइस पे। एक्चुअली मैं शेयर का प्राइस ऐसे भागा है तो वो एक ही हफ्ते में लगभग मूव दे गया है। अब अगर मैं कोल इंडिया की बात करूं, इसके टोटल मार्केट कैप पे नजर डालिए आप, 3,32,000 करोड़ का मार्केट कैप है 539 के शेयर के भाव पे। इस कंपनी का एक साल का मुनाफा जो है, बीते एक साल का मुनाफा है दोस्तों 36,552 करोड़ का, और लास्ट क्वार्टर जो निकला है जून का उसका मुनाफा है 11,000 करोड़ का, यानी एक क्वार्टर का मुनाफा 11,000 करोड़ है। अब मैं यहां से अगले 3 क्वार्टर का 10,000 करोड़ भी लेके चला जाऊं ना तो 30,000 करोड़ होता है, यानी टोटल मेरा एक साल का मुनाफा आ रहा है 40,000 करोड़ का। टोटल कंपनी का मार्केट क्या पता है कितना है, 3,32,000 करोड़। यानी कि अगर 8 साल कंपनी ने इस हिसाब से पैसा बनाया, कोई ग्रोथ नहीं दिखाई, तो मार्केट कैप जितना तो पैसा बना के छोड़ देगी कंपनी। और यहां से 10% की भी ग्रोथ दिखा दी ना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ये कंपनी ना जाने कहां पहुंचेगी। तो मेरे को लगता है ये स्टॉक स्टिल अ गुड ऑप्शन, और इस बाजार में जहां वैल्यूएशन को लेकर चिंताएं हैं, PSUs बहुत भागे हुए हैं, वहां ये बहुत अच्छा कंफर्ट देता है। तो मेरा टारगेट इस स्टॉक को लेकर 650 रुपए तक का है, 650 से 700 रुपए का। आप इजीली इसे डिप्स में खरीदिए कभी भी गिरावट आए तो। दूसरा स्टॉक है दोस्तों PI इंडस्ट्रीज की बात करें तो देखो केमिकल, एग्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर, इनमें ना अभी उतनी कोई खास तेजी बनी नहीं है। अब PI इंडस्ट्री एग्रोकेमिकल में काफी अच्छा प्लेयर है और इसने रिटर्न्स भी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे बना के दिए हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन अभी बीते कुछ समय से इसमें आपके लिए कोई बड़ी तेजी नहीं आई है। लेकिन अभी अर्निंग्स का सपोर्ट आने लगा है और वैल्यूएशन टर्म में रीजनेबल है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का प्राइस करंटली 4420 रुपीज का है, 67,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 38 के PE पे ट्रेड कर रहा है।
अगर मैं पीआई इंडस्ट्रीज का 5 साल का पीई देखूं और मीडियन पीई निकालूं तो वो आपका 47 है, यानी वैल्यूएशन टर्म में सस्ता है आपके लिए अगर इसी के वैल्यूएशन से कंपेयर करूं तो। कंपनी का लास्ट क्वार्टर का मुनाफा 450 करोड़ का था जो कि 370 करोड़ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बढ़कर आया था। तो मेरे इस स्टॉक को लेकर लगभग 5,500 रुपए तक के लक्ष्य हैं, आप यहां भी निवेश के लिए ध्यान दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट SKF इंडिया, ये बियरिंग बनाने का काम करती है। जो भी गाड़ियां चलती हैं जिसमें भी इंजन लगता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, ट्रेन हो, कोई भी हो, जहां इंजन है वहां बियरिंग है। और बियरिंग बनाने में एक MNC कंपनी है ये SKF इंडिया, बहुत ही दमदार है। जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं यूट्यूब पे, उन्होंने देखा होगा मैंने इस स्टॉक को 3,000, 4,500, 4,000 हर भाव पे कवर किया है और उसके बाद ये 7,000 तक भागा था, अभी गिर के 5,260 रुपए पे आके खड़ा हो गया है। 25-26 हजार करोड़ का मार्केट कैप है, 7,350 का इसने रिसेंटली 52 वीक हाई लगाया है। तो मेरे को लगता है ये दोबारा 7,000 का ही कैंडिडेट बनेगा आने वाले समय में। स्टॉक के वैल्यूएशन में देखे जाए तो 46 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। इसको आप कंपेयर करेंगे सेफलर इंडिया और टिमकेन इंडिया से, सेफलर इंडिया 68 के पीई पे मिलता है और टिमकेन मिलता है 71 के पीई पे और ये मिल रहा है 46 के, तो वैल्यूएशन में सस्ता दिखता है आपको। कंपनी की अर्निंग्स की बात करूं तो 159 करोड़ का मुनाफा पेश करा था, मार्च क्वार्टर में 175 था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट में डिप आई जिसकी वजह से 7,300 वाला शेयर अभी 5,200 मिल रहा है। तो मेरे को लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप निवेश के मौके ढूंढ सकते हो। नो डाउट ये जितना समय रोकोगे इस स्टॉक को, ये लाइफ लॉन्ग होल्ड करने वाला स्टॉक है, जितना समय दोगे उतना पैसा बनाओगे। तो ये मेरी तरफ से 3 स्टॉक्स थी, डिटेल में मैंने बात करी, होप आपको जानकारी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।